ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक मेजर के अंदर देशभक्ति का ऐसा जुनून चढ़ा कि उसने ब्रह्मोस मिसाइल का डेमो तैयार कर दिया। अब वह हेलीकॉप्टर का मॉडल बना रही है। हेलीकॉप्टर का मॉडल भी काफी हद तक बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही वह भी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। उनका कहना है कि उनके द्वारा बनाई गई मिसाइल और हेलीकॉप्टर को शहीद स्मारक पे रखा जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। पेंटर द्वारा किए जा रहे इस कार्य की चर्चा पूरे जिले में जोरों पर है और लोगों द्वारा उसकी सराहना भी की जा रही है। जौनपुर शहर में 45 किलोमीटर दूर चंदवा क्षेत्र के तराव गांव में रहने वाले सर्वेश चंद नामक 38 वर्षीय व्यक्ति पेंटिंग का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनके मन में देशभक्ति की इच्छा थी। परिवार की आर्थिक स्थिति सही न होने के चलते वे अधिक पढ़ाई नहीं कर पाए, जिससे देश सेवा से जुड़ी नौकरी नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि परिवार चलाने के लिए उन्होंने पेंटिंग का कार्य सीखा और पेंटिंग करके ही वे परिवार की गुजर बसर करते हैं। पेंटिंग के दौरान तिरंगा यात्रा निकलने पर उनके अंदर फिर देशभक्ति की भावना जागी और उन्होंने देश के लिए कुछ करने का मन में विचार किया। उन्होंने बताया कि पेंटिंग के जरिए ही लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागरूक करने का विचार उनके मन में आया। ऐसे में उन्होंने भारतीय सेना से जुड़े हथियारों का डेमो बनाने का प्लान किया। उन्होंने करीब 2 साल पहले ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के बारे में सोचा था और उसके बाद मजदूरी से कमाए गए रुपयों से ही बचत करते हुए उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पैसों की कमी होने पर उनके मित्र अजीत सिंह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आर्थिक सहयोग किया। 2 साल में ब्रह्मोस मिसाइल बनकर तैयार हुआ, जिससे वे काफी खुश हैं और अब हेलीकॉप्टर बनाना चाहते हैं। सर्वेश ने बताया कि उन्होंने कठिन परिश्रम से भारतीय सेना से जुड़े ब्रह्मोस मिसाइल का डेमो तैयार किया है और वे अब हेलीकॉप्टर तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल और आगामी समय में बनकर तैयार होने वाले हेलीकॉप्टर को शहीद पार्क में रखा जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। उनका मानना है कि लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए भारतीय सेना के शास्त्रों का डेमो बनाकर यदि प्रदर्शित किया जाए तो लोग काफी प्रभावित होंगे। सर्वेश चंद्र ने आगे बताया कि भविष्य में वे भारत देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि देश के सभी युवा देश के प्रति समर्पित रहें। बॉर्डर पर आज भी हजारों सैनिक तैनात हैं, जो अपने घर और परिवार को छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर जंगली इलाकों में देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। ऐसे में देश के हर युवा और देश में रहने वाले हर नागरिकों को देश के प्रति सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगे भी वह ऐसे ही कार्य करते रहेंगे, जिससे देशवासियों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। मैं पेंटर हूँ, बोर्ड बैनर लिखता हूँ, आर्ट बनाता हूँ, फोटो वगैरह। और जब से ये कंप्यूटराइज फ्लैक्स बोर्ड चल दिए, तब से हाथ की राइटिंग बहुत महंग पड़ती है लोगों को और लोग नहीं लिखवाते हैं बोर्ड, किसी तरह से रोजी रोटी चल रहा। फिलहाल डोभी क्षेत्र के ही, हमारे क्षेत्र के ही रहने वाले समाज सेवी अजीत सिंह जी हैं, उन्होंने कम से कम 45,000 रुपये का सहयोग किया है। उसके बावजूद मैं मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, जो भी मेहनत मजदूरी करके खाता जीता हूँ और खाने पीने से जो भी 10 रुपया बचता है इसमें लगाता रहता हूँ, कुछ न कुछ इसमें हमेशा करता ही रहता हूँ। अब देखिए कब तक पूरा होता है। वहीं सर्वेश चंद्र के इस काम के इलाके के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। समाज सेवक अजीत सिंह बताते हैं कि हमारे देश में ऐसी प्रतिभा की कोई कमी नहीं, बस जरूरत ऐसे लोगों को आगे लाने की है जो देश के बाकी लोगों के लिए प्रेरणा दे सकें। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान भी सर्वेश चंद्र ने आर्मी के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई थी, जिसको इलाके के लोगों ने खूब सराहा भी था। देखिए, योगदान तो मैं सोशल वर्कर हूं और क्षेत्र में जो है समाज सेवा का कार्य करता रहता हूं, लेकिन उसके साथ साथ हमें उन लोगों को भी ढूंढने की ज़रूरत है जो हमारे देश के लिए ऐसे प्रेरणा जो है दे सकें कि हाँ ये किसमें क्या क्या बना सकते हैं देश के लिए। जैसे वेपन जो बनाए इन्होंने, जो है हमारे, जब मैंने एक बार जो है तिरंगा यात्रा यहाँ निकाला तो सर्वेश भाई ने जो है रैली में 4 चांद लगा दिया। इन्होंने जो है हमारे जो आर्मी के जो वेपन है, जैसे इन्होंने रॉकेट लॉन्चर है ना, AK-47, SLR,
मतलब चार पांच जो है हमने जो दिखाया था, जो हमने क्या बोलते छवि दिखाया था जो है, जो सैनिकों के साथ साथ, वो इतना महत्वपूर्ण और इतना हुआ कि चर्चा का विषय था पूरे जौनपुर में जो है। तो भाई ने, सर्वेश जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, जबकि ये मनरेगा के भी मजदूर रह चुके हैं, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी, जो मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएँ उसमें भी ये काम कर चुके हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी को सबसे मेन योजना जो आवास और शौचालय, इनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो ये शौचालय के ऊपर जो है ना लिख रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शौचालय। तो सोचो एक ऐसा आदमी जो शौचालय पे जो अपना पेंटिंग कर रहा है, पेंट कर रहा है, वो आदमी हेलीकॉप्टर बना सकता है, ये जो है ब्रह्मोस मिसाइल बना सकता है। और ऐसे आदमी को मैं कह रहा हूँ, अगर सब लोग सपोर्ट करें यहाँ के जनप्रतिनिधि, तो ये राफेल भी बना सकता है, ये आदमी ऐसा है।